आप हमेशा ईश्वर की आराधना के वक्त घंटी का प्रयोग करते हैं, उनकी आरती के वक्त घंटी का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है असल में घंटी का प्रयोग किया क्यों जाता है? आखिर क्यों भगवान की आराधना के समय लोग घंटी का प्रयोग करते हैं, बिना घंटी के उनकी आराधना नहीं करते? जब इस बारे में हमने पंडित ज्ञानेंद्र शास्त्री से सवाल किया तो उन्होंने बताया आरती में आराधना में घंटी बजाने का पूरा महत्व। घंटी में भगवान गरुड़ का पूजन होता है, गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, पार्षद हैं, तो जब भगवान की पूजा अर्चना का प्रस्ताव आया, भगवान कलिकाल में शरीर धारण करके नहीं मिलते, मूर्ति रूप में पूजा हो या मंत्र रूप में पूजा हो, तो गरुड़ जी ने प्रार्थना किया, निवेदन किया कि प्रभु हम लोग क्या करें, तो भगवान ने उन पार्षदों को आदेश दिया कि आप हमारे साथ में ही किसी न किसी पात्र के रूप में आ करके और हमारे साथ में ही रहेंगे। तो गरुड़ जी जो है घंटी के रूप में आ गए, और जब भी आरती पूजन या भगवान का भोग लगता है तो बिना गरुड़ जी के नहीं लगता। कोई भी अपन पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम शंख, गरुड़ जी और अग्नि दीपक का और वरुण जी का पूजन होता है। भगवान की पूजन से पहले इनका पूजन करना पड़ता है, क्योंकि ये भगवान के पार्षद हैं, सेवक हैं, और भगवान ने इनको सबको वरदान दिया है कि हमारे साथ आप सब रहेंगे और हमारे साथ ही आपकी सबकी पूजा होगी।